सो वेरी गुड मॉर्निंग, और कर फ्रेश वाला वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछला वाला वीडियो उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, अगर आपको नहीं पता है कि आरोग्य सेतु ऐप या cowin.com पर वैक्सीनेशन के लिए जो स्लॉट बुकिंग है या रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो उस जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो आपके यहाँ पे आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दोनों इधर मिल जाएंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो ज्यादा कुछ बकबक खिच खिच नहीं करते, जल्दी से हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। तो जो भी 18 to 44 के लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन क्लोज कर दिए फिलहाल महाराष्ट्र ने, क्योंकि अगर पूरे इंडिया में से देखा जाए तो सिर्फ 3% लोगों को वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस मिल चुके हैं, 9% लोगों को सिर्फ वैक्सीनेशन के 1-1 डोजेस मिल चुके हैं। अभी तक बहुत जनों को वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोजेस भी नहीं मिले हैं, और अभी जिनको फर्स्ट डोज ऑलरेडी दे चुके हैं उनके लिए सेकंड डोजेस का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रहा है। अभी मैं जितने भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये सब मैंने गूगल से पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि फिलहाल शायद से 31 मई तक वैक्सीनेशन की जो फर्स्ट डोजेस है वो फिलहाल महाराष्ट्र के क्लोज रहेंगे, सिर्फ सेकंड डोज अब आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं। तो मुबारक हो जिनको वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोजेस मिल गए हैं, उनको जल्दी सेकंड डोजेस मिल जाएंगे। तो यही कारण है कि बहुत जन 5 बजे भी बैठ रहे, 6 बजे भी बैठ रहे हैं मोबाइल पर, तो भी उनकी बुकिंग्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र ने वो फिलहाल बंद कर दिया है। जो फिलहाल जो अपॉइंटमेंट बुकिंग है वो सिर्फ जिनके फर्स्ट डोज कंप्लीट हो चुके हैं उनके लिए बुकिंग चालू है। अगर बुकिंग स्टार्ट होती है बीच में 18 to 44 ईयर्स के, ऑलरेडी मैं यहाँ पे बैठा हुआ, आप टेंशन मत लीजिए, आपको तभी वीडियो मिल जाएगा कि यार बुकिंग स्टार्ट हो गई है, आप जल्दी से अभी बुकिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो फिलहाल मत कीजिए, एटलीस्ट 31 मई तक तो भी मत कीजिए। अगर फिलहाल मुझे नहीं पता कि अदर स्टेट्स में क्या पोजीशन है, वहाँ पे 18 to 44 ईयर के वैक्सीनेशन चालू है या नहीं, नहीं पता। तो अगर आप अदर स्टेट से देख रहे हो एक्सेप्ट महाराष्ट्र, तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन कर दीजिए, इस बहाने मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरे व्यूअर मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहिए टैक्सी ब्लॉग्स।